हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट किचन हिंदी में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ नींबू शरबत की रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। नींबू शरबत बनाने के लिए हमने पके हुए 3 नींबू लिए हैं। नींबू पानी बनाने के लिए हमें पतले वाले छिलके का नींबू जो होता है फ्रेंड्स, वो हमें लेना है। उसमें काफ़ी ज़्यादा रस होता है। तो यहाँ पे हमने एक बाउल पानी लिया है। तो हमने 4 ग्लास यहाँ पे ठंडा पानी लिया है। मैं 4 ग्लास नींबू का शरबत बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे 4 ग्लास ठंडा पानी लिया है। तो अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो 4 ग्लास के लिए हमने 4 चम्मच चीनी ली है। तो फ्रेंड्स, बड़े चम्मच से हमें 4 चम्मच चीनी लेना है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा चीनी को कर सकते हो। 3 हमने नींबू के रस को निकाल लिया है और नींबू के रस को हमने छान कर लिया है। तो यहाँ पे हमने नींबू के रस को ऐड कर दिया है। फ्रेंड्स, हम कभी भी नींबू शरबत बनाते हैं तो नींबू के छिलके नींबू पानी में ऐड नहीं करना है, नहीं तो हमारा नींबू शरबत कड़वा बन सकता है। 1/4 चम्मच हमने काला नमक लिया है। मिक्सर से हमें चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेना है नींबू पानी में। चीनी को हमें डिजॉल्व होने तक मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, आप मेरे तरीके से नींबू शरबत बनाओगे तो ये 1 मिनट में ही बनके तैयार हो जाता है और बहुत ही झटपट बनके तैयार होता है। तो यहाँ पे शरबत हमारा बनके तैयार हो गया है। अब हम ग्लास में सर्व कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स, आप नींबू शरबत बनाओगे ना तो बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है। अब हम दूसरा वाला ग्लास भी भर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने चारों ग्लास को भर लिया है। 4 ग्लास नींबू शरबत का परफेक्ट मेजरमेंट है फ्रेंड्स, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। 1 ग्लास के लिए आप 1 चम्मच चीनी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा बड़े चम्मच से चीनी ली है। ग्लास पे हम नींबू की स्लाइसेस लगा लेंगे। शरबत को और भी ठंडा करने के लिए हमने आइस क्यूब्स इसमें डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, हमारा नींबू शरबत बनके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।